अब वही बात उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की, जहां पर कांग्रेस की 27 साल यूपी बेहाल बस यात्रा पहुंची। यात्रा में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और कांग्रेस नेता श्री प्रकाश जायसवाल शामिल थे। इस दौरान मंच पर बैठने की होड़ में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में 27 साल यूपी बेहाल के नाम से बस यात्रा चलाई और वह बस यात्रा आज मुजफ्फरनगर पहुंची, जिसमें कांग्रेस नेत्री शीला दीक्षित और श्री प्रकाश जायसवाल शामिल थे। बस यात्रा मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल में पहुंची, जहां पर एक जनसभा का आयोजन किया गया था। इस जनसभा में कांग्रेस के नेता और जनता मौजूद थी। कार्यक्रम की शुरुआत में मंच पर समर्थक और नेताओं की भीड़ इकट्ठी होने लगी और मंच पर पहले मैं बैठने की होड़ लग गई। इस होड़ में कांग्रेस के नेता आपस में भिड़ गए। बस फिर क्या था, जिस मंच से भाषण दिए जाने थे वह मंच जंग के मैदान में तब्दील हो गया और नेता एक दूसरे पर लात घूसों से वार करने लगे। मंच के सामने बैठी भीड़ तमाशा देख रही थी और समझ भी रही थी। काफी देर बाद सिलसिला समाप्त हुआ तो पुलिस ने आकर मारपीट करने वाले कुछ नेताओं को मंच से हटाया। तब जाकर मंच पर भाषणबाजी का दौर शुरू हुआ। मंच पर जिस वक्त मारपीट हुई, उस वक्त कांग्रेस के नेता और उत्तर प्रदेश प्रभारी शीला दीक्षित मौजूद थी। मेरा नाम अब्दुल्ला आरिफ है, मैं प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश व कांग्रेस, और आज 27 साल यूपी बिहार की यात्रा का आगमन हुआ है। शीला दीक्षित जी बागपत से मुजफ्फरनगर आगमन उन्होंने किया है और सभी जगह पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका ज़ोरदार स्वागत किया है, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो चाहे वो बड़ा कार्यकर्ता हो। सभी लोगों ने मिलजुल कर एकजुटता का सबूत दिया है। सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे रहे हैं, सफल रहे हैं। वो इनका आपसी मनमुटाव होगा, पार्टी को लेकर के तो कोई ऐसा मुझे इनमें मनमुटाव नहीं दिखाई देता। और बाकी तो ये फैसला जिला अध्यक्ष और हमारे जो मंच पर बैठे हाईकमान के नेता हैं, इन्हीं का फैसला है कि ये क्या फैसला है। ये जिला अध्यक्ष नानू मियाँ हैं पार्टी के हमारे, और युवक कांग्रेस का हमारा लोकसभा अध्यक्ष है जुनेद रऊफ, इनके बेटे के बीच में और जिला अध्यक्ष के बीच में ये घटना हुई है। जिन्होंने देखिए, ऐसा है कि जहाँ जहाँ यात्रा जा रही है, मैं आपको रिपोर्ट बताता हूँ, जहाँ जहाँ भी कार्यकर्ता मौजूद हैं, कार्यकर्ताओं के अंदर पार्टी में ज्वाइन करने की लगन पैदा हुई है। और जो अदर वर्कर हैं, पार्टी छोड़ करके भी आ रहे हैं, सपा बसपा भाजपा से जो लोग तंग आ चुके हैं, सांप्रदायिक माहौल प्रदेश के अंदर बुरी तरह से फैल ही चुका है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इस तरीके से प्रदेश का माहौल ख़राब करने का काम इन्होंने किया है, तो एक ही विकल्प है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस, जो सब धर्मों को सब जातियों को साथ लेकर के चलने का काम करती है। शीला दीक्षित के माथे की सलवटें बता रही थी कि मुजफ्फरनगर में आयोजित कार्यक्रम में, जहां खुद शीला दीक्षित ने 27 साल यूपी बेहाल पर जनता को कुछ समझाने आई थी, उससे पहले ही उनके नेताओं ने इस पूरी सभा और कार्यक्रम का बेड़ा गर्क कर दिया। विजय कुमार, मुजफ्फरनगर, समाचार एक्सप्रेस।